हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ गेहूं के आटे का चिल्ला। ये झटपट बन जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं, साथ ही हेल्दी भी होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। चिल्ला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूँ का आटा। अब इसमें हम लोग डालेंगे 1/2 कप दही। अगर आप दही पसंद नहीं करते हो तो कम भी डाल सकते हैं। और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ मैं। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में 1 छोटी चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले दही और नमक मिर्च जो भी मैंने डाला है इनको पहले मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिया 1 कप पानी और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के हम लोग इसका एक गाढ़ा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर हमें नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटर को मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा और पानी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा है हमारा बैटर। ध्यान रहे लम्स नहीं होने चाहिए, तो इसलिए अच्छी तरह से विस्कर की मदद से हम लोग मिला लेंगे इसे। तो यहाँ पे मैंने घोल को तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें। और अब इसमें हम लोग सब्जियाँ डालेंगे। सब्जियों में मैंने यहाँ पे 1 प्याज को बारीक कट के ले लिया है, 2 हरी मिर्च को, 1 शिमला मिर्च को बारीक कट के ले लिया है, 1 टमाटर को बारीक कट के ले लिया है और 1 खीरे को कद्दूकस करके ले लिया है। सब्जियाँ आप अपने मनपसंद की डाल सकते हैं, जैसे गाजर, फ्रेंच बीन्स या पत्ता गोभी, या फिर जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो वो डालें। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद हम बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आराम से हम लोग धीरे धीरे बैटर में सारी सब्जियों को मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा बैटर तैयार है, आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट बैटर ऐसा ही चाहिए हमें, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। तो अब मैंने गैस पे एक तवे को रख दिया गर्म होने के लिए और इस पर मैं ग्रीस कर लेती हूँ थोड़ा सा ऑयल। और अब हम लोग सेंटर में बैटर को इस तरह से डालेंगे धीरे से, और बैटर को जैसे जैसे हम लोग डालते जाएंगे वैसे फैलाते जाएंगे चम्मच की मदद से। तो चम्मच के पिछले हिस्से से मैं ऐसे फैलाते जाती हूँ और एक राउंड शेप हम लोग दे देंगे। अब जितना बड़ा साइज़ रखना चाहते हैं चिल्ले का उतने बड़ा रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है अच्छी तरह से, और अब इसे नीचे की तरफ से हम लोग पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो ये हमारा चिल्ला नीचे से पक गया है, आसानी से तवे से छोड़ दे रहा है। तो हम लोग धीरे से इसे पलट लेंगे और फिर कॉर्नर्स पे हम लोग थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे ताकि नीचे से चिपके नहीं, और ऊपर भी थोड़ा थोड़ा हम लोग ऑयल से ग्रीस कर देंगे। तो नीचे से भी हम लोग पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये चिल्ला हमारा तैयार हो गया है दोनों तरफ से। इसे एक बार हम लोग पलट लेते हैं और ग्रीस कर देते हैं थोड़ा सा ऑयल से पीछे से भी, और हम लोग निकाल लेते हैं इसे अब तवे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है हमें चिल्ले को। तो फ्रेंड्स, ये आटा चिल्ला रेडी है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर और फिर सेम प्रोसेस से दूसरा चिल्ला भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवे को ऑयल से ग्रीस किया। अब बैटर को डालेंगे सेंटर में। तो इस तरह से देखिए बैटर को डालेंगे और फैलाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बैटर को डाल दिया है और राउंड शेप में अच्छे से फैला लिया है। तो अब इसे भी हम लोग नीचे से पकने देते हैं, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे हम लोग। तो ये भी तैयार हो गया है नीचे से। तो अब धीरे से पलट लेंगे इस तरह से और चारों तरफ फिर ऑयल लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, और इसके ऊपर भी ग्रीस कर देंगे और सेम प्रोसेस से बना लेंगे। तो ये दूसरा चिल्ला भी रेडी है हमारा, इसी तरह सारे चिल्ले बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए ये आटे का हेल्दी एंड टेस्टी चिल्ला रेडी है। इसे आप टोमेटो केचप, दही या फिर खट्टी चटनी के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इसे आप झटपट बना भी ले सकते हैं। तो आप भी अब आज के अपने ब्रेकफास्ट में इस चिल्ले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और मेरे ये आटे की चिल्ले की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएँ। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।